दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चिकन। इसके लिए हमें चाहिए प्याज 5 अदद बारीक काट लिए, लहसुन, अदरक एक एक पेस्ट बना लिया 1 चम्मच, दही 1 प्याली ली है, आलू 5 अदद, 2 किलो चिकन में एक ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 स्पून, और 1 प्याली दही ऐड की है। अब इसमें हम गरम मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ ये मिक्स करके ये डाल दिया, और उसमें रेड चिली डलेगी, हल्दी, नमक। रेड चिली नमक 1-1 चम्मच डाल लें, हल्दी 1/2 चम्मच, 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून वो होता है। ये सबको हम मैरिनेट कर लिया। इसको साइड पे रखेंगे और कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, फिर प्याज हम बैक करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, मेरे यहाँ पे थोड़े से टॉक हो गए हैं, आपने थोड़ा गोल्डन गोल्डन रखना है, ये टॉक हो गए, आपने थोड़ा लाइट रखना है। और इसी ऑयल में मैं पोटैटो रोस्ट करूँगी, समथिंग डिफरेंट रेसिपी, शाही रेसिपी इसको बोल सकते हैं आप, और वेरी टेस्टी रेसिपी है ये। अभी इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे, ये फ्राई की हुई प्याज और पुदीने के कुछ पत्ते और 3 से 4 हरी मिर्ची मैंने ली हैं, इनको मैं पीस लूँगी। ये बिल्कुल बारीक नहीं करना, इस कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल चॉप नहीं करना है आपने। अभी ये चिकन में मैंने 1 कप पानी ऐड किया था, और इस कुछ दही का पानी इसने छोड़ा है, ये कुक हुआ है, इसमें अभी हम डालेंगे ये सारा मिक्सचर प्याज का मिक्स, और इसको ढाँप देंगे। अभी हमने 1 प्याली में पानी लिया, और ये जो हमने धनिया काट के न्यूज़पेपर में रोल करके फ्रिज में रखा था, ये अभी हम इसमें से लेंगे थोड़ा सा जितना हमें चाहिए, और ये हम एंड पे गार्निश में यूज़ करेंगे। इसको कुछ देर भिगो दें पानी में, और बारीक अदरक काट लें, जिंजर और कुछ हरी मिर्ची ले लिया। अब इसको देख लें पानी कितना रह गया, हमारे आलू गल गए हैं, चिकन गल चुका है, अब रेडी है सालन। अब इसमें हमने ऐड किया है जिंजर, ग्रीन चिली, धनिया, बहुत खूबसूरत सी गार्निश और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब तो मसा ही दोबाला हो गया, गरम मसाला ऊपर से भी डाल दें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में राय दीजिएगा। तो मेरी रेसिपी रेडी है।